सदर थाना ऊना के बारसड़ा में 32 वर्षीय युवक का शव रेलवे पुल के नीचे खड्ड के पानी से बरामद किया गया है। मृतक के सर व माथे पर चोट के निशान हैं। मृतक की पहचान देवेंद्र कुमार निवासी होशियारपुर के रूप में हुई है, जो कि पूर्व में सीआरपीएफ का जवान रह चुका है। मौजूदा समय में युवक सीआरपीएफ की नौकरी छोड़कर ऊना में बतौर पेंटर का काम करता था। सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है। युवक खड्ड में कैसे पहुंचा और मौत कैसे हुई, इसकी जांच में पुलिस जुट गई है। रेलवे पुलिस चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम चंद का कहना है कि शव को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, डॉक्टर परमार के सपनों की सरकार बनाएंगे, इस अध्यक्ष के सपनों की सरकार बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में एक तूफान खड़ा कर देंगे। उम्मीद का सूरज है तू, ये अंधेरा मिटा दे तू, जल उठे चिराग के तुम देखा दे तू। उम्मीद का सूरज है तू, ये तमस मिटा दे तू, जल उठे चिराग और भर के तुम दिखा दे तू। कस कमर को जोर से अब तुझे निकलना है, जो सोचा है वो करना है, न झुकना है न डरना है, मिला के हाथ चलना है, उठा के हाथ लड़ना है, जो सोचा है हिमाचल प्रदेश छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती के कुशल नेतृत्व में ऊना विधानसभा क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। क्षेत्र में बहुमंजिला मिनी सचिवालय, अत्याधुनिक बस अड्डा, दिव्यांग कौशल विकास केंद्र सहित भव्य भवनों का निर्माण किया जा रहा है। 22 करोड़ की लागत से ऊना शहर में 7 नालों का निर्माण कर शहर को बरसाती पानी से निजात दिलाई है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग के माध्यम से हर घर में नल से पीने का पानी पहुंचाया गया है। पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर 200 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की गई है, जबकि विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए व्यय कर सड़कों का जाल बिछाया गया है। स्कूल व आईटीआई भवनों, खेल मैदानों, पार्कों के निर्माण से सुविधाओं को जुटाया जा रहा है। ऊना में मदर चाइल्ड हेल्थ यूनिट, ट्रॉमा सेंटर व पीजीआई सैटेलाइट की सुविधा स्वीकृत की गई है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में ऊना विधानसभा क्षेत्र की दशा व दिशा को बदला गया है। ऊना की जनता की अब यही पुकार, सतपाल सिंह सत्ती अब की बार।